हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर गोडविल इंटर कॉलेज की तरफ से गोडविल लर्नर्स चैनल पर स्वागत है। मैं अनिता चौहान आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। क्या है प्रतिरोधों का संयोजन? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि अलग अलग चालक तार लेंगे, उनके प्रतिरोध क्या लेंगे, अलग अलग लेंगे और उन्हें हम जोड़ेंगे, यानी कि उनका कॉम्बिनेशन करेंगे। तो उसके दो तरीके हैं, एक है हमारा श्रेणी क्रम में और दूसरा है हमारा समांतर क्रम में। पहला क्या है हमारा श्रेणी क्रम, तो पहले हम श्रेणी क्रम के बारे में पढ़ेंगे। श्रेणी क्रम में क्या है, हमने मान लिया तीन या चार चालक तार ले लिए, ये प्रतिरोध का संकेत हो गया। एक तार तो हो गया ये, दूसरा तार, तीसरा, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा ए सिरा और ये हो गया हमारा बी सिरा, और इसे क्या कर दिया, सेल से जोड़ दिया। पहले चालक तार का प्रतिरोध हमने मान लिया क्रमशः आर वन, दूसरे का आर टू और तीसरे का आर थ्री। ये क्या हो गया हमारी सेल, सेल का ये पॉजिटिव सिरा और ये नेगेटिव। एमीटर, एमीटर का ये पॉजिटिव सिरा, ठीक है, और ये नेगेटिव, और ये होगी हमारी कुंजी। क्या होगी? कुंजी। एमीटर का धनात्मक सिरा जो है सेल के धनात्मक सिरे से, और ऋणात्मक सिरा सेल के ऋणात्मक सिरे से। धारा प्रवाहित होगी पॉजिटिव से, कहां से होगी, पॉजिटिव से, ठीक है। और श्रेणी क्रम में ये ध्यान रखना, श्रेणी क्रम में हमारी धारा समान रहती है, श्रेणी क्रम में धारा की जो वैल्यू है वो क्या रहती है, इक्वल। और विभवांतर जो होता है वो होता है अलग अलग, विभवांतर क्या होता है, अलग अलग। तो पहले चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर होगा वी वन, दूसरे चालक तार के सिरों के बीच हमने मान लिया वी टू, और तीसरे चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर हो गया हमारा वी थ्री। और धारा क्या होगी हमारी, धारा क्या होगी, सेम होगी, आई आई आई, सब में क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ओम का नियम है हमारा। ओम का नियम क्या है हमारा, ओम का नियम आप सभी जानते हैं, ओम का नियम क्या है, ओम का नियम आर बराबर वी अपॉन आई, आर बराबर क्या है, वी अपॉन आई। लिखने का तरीका क्या होगा, माना तीन चालक तार जिनके प्रतिरोध क्रमशः आर वन, आर टू व आर थ्री है। पहले चालक तार का पहला सिरा बैटरी के धनात्मक सिरे से तथा दूसरा सिरा अगले तार के पहले सिरे से, इसी प्रकार दूसरे चालक तार का दूसरा सिरा तीसरे चालक तार के पहले सिरे से जोड़ते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, R बराबर V अपॉन I, तो R1 बराबर V1 अपॉन क्या आएगा, I, I तो इक्वल है, तो यहां से V1 इक्वल क्या आएगा, आई आर वन, क्या आएगा, आई आर वन। इसी प्रकार V2 इक्वल आई आर टू दूसरे चालक तार के लिए, इसी प्रकार V3 बराबर आई आर थ्री। ये तो अलग अलग तार का प्रतिरोध हो गया, अब पूरे परिपथ का भी प्रतिरोध होगा। पूरे परिपथ का प्रतिरोध हमने ले लिया V, पूरे परिपथ का प्रतिरोध क्या ले लिया, V, ठीक है। तो V बराबर होगा हमारा पूरे परिपथ का आई आर के, पूरे परिपथ का प्रतिरोध क्या ले लिया, R, पूरे परिपथ का विभवांतर क्या लिया हमने, V, धारा तो हमारी इक्वल है आई, तो V बराबर होगा हमारा वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, कुल विभवांतर। V की वैल्यू क्या है हमारी, आई आर, वी वन की वैल्यू क्या है, आई आर वन, वी टू की वैल्यू क्या है, आई आर टू, और वी थ्री की वैल्यू क्या है, आई आर थ्री। अब क्या करेंगे, तीनों स्टेप, तीनों टर्म में से I कॉमन आ रहा है हमारा, तो क्या बच गया, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आई से आई कैंसिल, तो R बराबर हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो श्रेणी क्रम में जब हमने प्रतिरोधों का संयोजन करा तो उसका फॉर्मूला आ गया, तुल्य जो प्रतिरोध होगा R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट डॉट
एन पदों तक जितने भी तार होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम का संयोजन। अब हम पढ़ेंगे समांतर क्रम का संयोजन। क्या पढ़ेंगे? समांतर क्रम का संयोजन। श्रेणी क्रम में तो क्या लेते हैं? एक सीधी रेखा में प्रतिरोध तार जोड़ देते हैं। इसमें क्या लेंगे? तारों को एक दूसरे के समांतर लेंगे। क्या लेंगे? एक दूसरे के समांतर। जैसे पहला चालक तार ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, तीनों को एक जगह जोड़ दिया। पहले चालक तार का प्रतिरोध R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3। अब इन्हें क्या करा? सेल से जोड़ दिया। कहीं से जोड़ दिया? सेल से। ये हमारा एमीटर हो गया, या फिर क्या ले लेंगे? इधर ले लेंगे एमीटर। ये प्लस, ये माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। इस तरीके से ले लेंगे, या फिर यहां ले लो। माइनस प्लस, और इनका जो विभवांतर होगा टोटल V, वो होगा ये प्लस माइनस। धारा पॉजिटिव से निकलेगी I, तो जो धारा I निकली वो इस पॉइंट पे जाकर, यहाँ क्या है? तीन तार है, वहां तो एक साथ थे तार, तो धारा इक्वल गई थी सेल से। यहाँ क्या हो गए? तीन तार हो गए। अब सबकी जो अक्षमता है, प्रतिरोधक अक्षमता, वो क्या है? सबकी अलग अलग है, तो उनकी धारा की अक्षमता भी क्या होगी? अलग अलग होगी, क्योंकि I बराबर होता है V अपॉन R, R के व्युत्क्रम अनुपाती। तो इसमें होगी I1 धारा, हमने मान लिया, इसमें I2 और इसमें I3। समांतर क्रम में जो विभवांतर होता है वो होता है समान। विभवांतर क्या होता है? समान। श्रेणी क्रम में धारा समान और समांतर क्रम में विभवांतर समान, ठीक है। तो ओम के नियम से, ओम का नियम, R बराबर क्या आया हमारा? V अपॉन I। तो I बराबर होगी पूरे परिपथ की धारा, I बराबर होगा V अपॉन R। I बराबर क्या होगा? V अपॉन R। तो पहले तार के लिए I1 बराबर V अपॉन R1, दूसरे चालक तार के लिए I2 बराबर V अपॉन R2, तीसरे चालक तार के लिए इसी प्रकार V अपॉन R3। अब जो ये I1, I2, I3 है, वो किसके टोटल है? I के, यानी कि I से ही तो बनी है धारा भी। तो I बराबर लिख सकते हैं हम I1 प्लस I2 प्लस I3। I की वैल्यू क्या है हमारी? V अपॉन R। I1 की V अपॉन R1, I2 की V अपॉन R2, और ये V अपॉन R3। V अपॉन R तीनों टर्म में से क्या आ जाएगा? V कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बच गया 1/R1, 1/R2, 1/R3। V से V कैंसिल, तो 1/R इक्वल 1/R1, 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा आ गया समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में तो क्या थे? सीधे जोड़ते थे। समांतर क्रम में क्या होगा? प्रतिरोधों का व्युत्क्रम जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? प्रतिरोधों का व्युत्क्रम, ठीक है। तो बच्चों, आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।